हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में जो कि यूनिट 3 पर बेस्ड है। जैसा कि यूनिट 3 के अंदर हम गियर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट एंड आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे फाइंड करते हैं और उनके फॉर्मूले जो है वो आपको ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए, उसमें जो फॉर्मूले हैं वो आज यहाँ पर यूज़ होंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, साथ ही साथ जो गेट है, गेट के क्वेश्चन या IAS के जो क्वेश्चन हैं उसमें भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको पूछ लेता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को हम आसानी से समझेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर जो है उनको देख सकते हैं। ऊपर आई बटन दबा के आप जो है मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर जो है उनको भी आप सर्च कर सकते हैं। तो बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले इसको रीड करते हैं, फिर इसमें गिवन डाटा क्या है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है और साथ में फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अ पिनियन हैविंग 30 टीथ ड्राइव अ गियर हैविंग 80 टीथ। ठीक है, जनरली पिनियन एंड गियर जो है दो गियर्स का अरेंजमेंट है। ये छोटा वाला जो है पिनियन है और यहाँ पर जो है ये आपका व्हील या गियर है। ठीक है, तो इसके जो टीथ हैं इस पर 30 टीथ हैं और इस पर जो है वो 80 टीथ हैं। तो ये जो है आपका पिनियन जो है ये ड्राइवर है और ये जो है आपका ड्रिवन है, ये इसको घुमा रहा है। ठीक है, द प्रोफाइल ऑफ गियर इनवॉल्यूट प्रोफाइल है। जैसा कि मैंने आपको इस पर भी वीडियो लेक्चर दे रखा है कि इनवॉल्यूट एंड साइक्लॉइडियल प्रोफाइल क्या होती है, विथ 20 डिग्री प्रेशर एंगल दे रखा है यहाँ पे। ये जो एंगल है आपका, है ना, जिसको हम साइज से डिनोट करते हैं, 12 mm मॉड्यूल दे रखा है। मॉड्यूल के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया था। एंड 10 mm एडेंडम दे रखा है। ये जो डिस्टेंस है एडेंडम, ये वाली है ना ऊपर वाला जो सर्कल होता है इसे हम एडेंडम सर्कल बोलते हैं, और एडेंडम सर्कल देन और जो पिच सर्कल है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम एडेंडम बोलते हैं, एडेंडम हाइट भी बोलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट रेशियो। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करेंगे, ये पहला वाला। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे द पिच सर्कल रेडियस ऑन पिनियन। जो पिनियन है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हो गए यहाँ पर, ठीक है, ये जो सर्कल है आपका, ये जो पूरा है ये पिनियन वाला अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसमें ये पिच सर्कल जो है, ये पिच सर्कल बीचों बीच जो बना हुआ है, इसकी रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक की ये जो रेडियस है, ठीक है, इसको हम फाइंड करेंगे, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, स्मॉल r इज इक्वल टू एम डॉट टी अपॉन 2, इससे इसको हम निकालते हैं। यहाँ पर m क्या है मॉड्यूल, t क्या है नंबर ऑफ टीथ, और ये इस टाइप से इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमको 12 दे रखा है, ये सब mm में रखना है। देन आपको t की वैल्यू 30 दे रखी है, ये पिनियन के लिए निकाल रहे हैं हम, है ना, व्हील के लिए भी निकालेंगे, अपॉन 2। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 180 mm ये आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ पिनियन। ये जो पिनियन है इसकी रेडियस आपको आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन, इसके बाद निकालेंगे हम ये वाली, ये जो रेडियस है इसकी एडेंडम सर्कल, जिसको हम आर ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर ए से। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे किस टाइप से, स्मॉल आर ए ये इक्वल टू होता है ये आपका आर प्लस एडेंडम। ठीक है, तो आर हमने ऊपर निकाला 180 mm में रखना है और एडेंडम हमको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 190 mm। तो आर ए जो है आपका क्या आ गया, 190 mm। दो वैल्यू हमने निकाल ली, आर ए की और आर, आर क्या है आपका ये पिच सर्कल जो है पिनियन की रेडियस है, और ये आर ए ये क्या है आपका एडेंडम। ठीक है, दोनों का हमने निकाल लिया। सेम टू सेम जो है हम ऐसा किसके लिए निकाल लेंगे, इसके लिए सेम टू सेम हम निकालेंगे रेडियस ऑफ पिच सर्कल ऑफ गियर। अब गियर के लिए निकालेंगे हम, तो गियर के लिए क्या निकालेंगे, द पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर, या इसको हम व्हील भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सेम टू सेम कैसे निकालेंगे हम, इसको निकालने के लिए कैपिटल आर होगा, ये पूरा कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम और ये कैपिटल टी अपॉन 2, तो एम मॉड्यूल सेम है। ठीक है, 12 × 80 टीथ बदल जाएंगे, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 480 mm। ठीक है, ये इसके लिए। देन इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ गियर, हमने अभी जो है ये निकाला,
कैपिटल आर। अब जो है हम ये निकालेंगे पूरा जो होगा आर ए, है ना, रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल। तो आप क्या निकालोगे, आप रेडियस ऑफ एडेंडम सर्कल ऑफ गियर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, सेम टू सेम जैसे कि नीचे देखा हमने, आर ए इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एडेंडम, ठीक है। तो कैपिटल आर कितना है आपका, कैपिटल आर आप हमने अभी निकाला ऊपर 480 प्लस 10, ये तो सेम है, ये गैप जो है सेम है आपका, 10 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 490 mm, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई और आर ए की वैल्यू आ गई। जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा होगा, मैंने लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बताया था, तो वहाँ पे आर ए आर ये फिर कैपिटल आर ए आर इनकी रिक्वायरमेंट फॉर्मूले में होती है, तो इसलिए हमने ये चीज़ें फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ जो कॉन्टैक्ट है हम बात करें टोटल जो है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये जो के एल है, ये पूरा के एल जो है इसको निकालना है। तो इसमें दो पार्ट आप डिवाइड करते हैं, पहला होता है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, दूसरा होता है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसिस। तो ये निकाल लेंगे के पी और फिर निकाल लेंगे पी एल, दोनों को प्लस कर देंगे के एल, तो आपका जो है टोटल क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, अब आप फॉर्मूले में रखना है वैल्यू, जितनी भी हमने चीज़ें निकाल रखी हैं फॉर्मूले में रखेंगे, जैसे कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच निकालेंगे पहले हम, ठीक है, जो कि कौन सा है आपका के पी वाला पोर्शन, ये के पी, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ अप्रोच। वीडियो लेक्चर जरूर देखना है आपको, है ना, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट एंड लेंथ पाथ ऑफ अप्रोच, तभी इन चीज़ों को आप समझ पाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, गेट वगैरह में पूछ लेता है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, पूरा डेरिवेशन बता रखा है, कॉस स्क्वायर, ये एंगल प्रेशर एंगल, आर साइन, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, तो जो हमने अभी वैल्यू निकाली है, तो पूरी वैल्यू रख दोगे यहाँ पे 490 है इसके स्क्वायर, ठीक है। देन आर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 480, ठीक है, स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 480 साइन 20 डिग्री। इसका कैलकुलेशन करोगे पूरे का तो आएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 191.5 16.42, तो ये आ जाएगा 27.3 mm। क्या आया ये आपकी के पी की वैल्यू, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसिस, ठीक है, जो कि कौन सा होगा आपका पी एल वाला भाग, पी एल कौन सा होगा, ये लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसिस, ठीक है। तो ये कैसे होगा आपका, सेम टू सेम इसके लिए भी फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, स्मॉल आर ए का स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये साई आर साइन साई, ठीक है, यहाँ कैपिटल, यहाँ पे आपका स्मॉल रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 190 का स्क्वायर, 180 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, 180 डिग्री साइन 20 डिग्री। वैल्यू पुट करोगे, ये पूरा कैलकुलेट करोगे, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 mm, ये क्या आ गया आपका पी एल। तो टोटल क्या है आपका, टोटल हमारे पास क्या है, ये के एल, के एल क्या होता है आपका के पी प्लस पी एल, तो 27.3 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 52.3, ये आ गया आपका के एल। के एल था क्या हमारा, ये था हमारा जो हमें निकालना था, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस साई, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए। तो ये हमने निकाला था अभी, 52.3 अपॉन कॉस 20 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 55.66 mm, ये क्या आ जाएगा आपका, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट,
ठीक है, जो कि आर्क वाला था, हमने देखा था, इस पर भी मैंने आपको डेरिवेशन बताया हुआ है। तो इस हिसाब से ये आपके दोनों वैल्यू आ गई। अब हमारा कॉन्टैक्ट रेशो आ जाएगा। देखो, एक चीज़ से दूसरी चीज़ चुनी हुई है ना, जो फॉर्मूले में ये सब चीज़ें जुड़ी होती हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट रेशो, इस पर भी मैंने बताया आपको कॉन्टैक्ट रेशो का फॉर्मूला। कॉन्टैक्ट रेशो क्या होता है आपका, ये होता है CR इक्वल टू होता है आपका लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन PC। ये क्या होता है, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है, हर एक चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर रखी है। उसके लिए आपको यूनिट पढ़ने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग से हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो ये 55.66 लेंथ ऑफ, ये आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अभी हमने नीचे निकाला, ये निकाला है ना। और उसके बाद PC जो होता है आपका, वो होता है पाई इंटू एम। तो ये 55.60 अपॉन पाई इंटू 12, तो ये आ जाएगा 55.60 अपॉन 37.7, जो कि आ जाएगा आपका 1.5। इसको एग्जैक्टली हम 2 लिख सकते हैं। तो जो रेशो है आपका, कॉन्टैक्ट रेशो जो आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। तो इस टाइप से आपको चार ऑप्शन मिलेंगे गेट में, 2 की वैल्यू दी होगी, ऐसे निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसी टाइप का सेम टू सेम न्यूमेरिकल आपके गेट में आया हुआ है, ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछता है। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है, इसके लिए आपको लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट एंड लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच जो है उनके वीडियो लेक्चर देखना पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा। और जो डायग्राम है मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर रखे हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो होप आपने ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, और मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही रहकर गेट, IAS, PSC और जितनी भी तैयारी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो सब कर पाएँ, इसरो एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। साथ ही साथ अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो है उसकी भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं, RGPB वगैरह या जो भी आपकी एग्ज़ाम है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, डिप्लोमा एग्ज़ाम के लिए भी है। तो ये सबके लिए है वीडियो लेक्चर, ऐसा स्पेशली किसी के लिए नहीं है। जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसके लिए है टोटली ये वीडियो लेक्चर। और आप मेरे YouTube लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो डाटा है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा प्रोवाइड करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट अच्छी लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में आपको बता सकूँ। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पास आप अपने सब्जेक्ट के नोट्स रखिए, हर एक सब्जेक्ट के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।